लखनादौन तहसील क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लेने पहुंचे जिला कलेक्टर क्षितिश सिंघल। लखनादौन तहसील क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में विगत 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के साथ ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लेने के लिए बुधवार को जिला कलेक्टर क्षितिश सिंघल विभिन्न ग्रामों में पहुंचे, जहां इस दौरान आधे गांव क्षेत्र में किसानों के खेतों में पहुंच प्रभावित फसलों का जायजा लिया। तत्पश्चात ग्राम सुहागपुर, सिहोरा, डाला, चूलगांव, कोंडरा, करनपुर इत्यादि ग्रामों का दौरा कर खेतों के अंदर जाकर फसलों की नुकसानी का कलेक्टर ने जायजा लिया है। कलेक्टर क्षितिश सिंघल ने किसानों से कहा कि सर्वे टीम का गठन कर दिया गया है, टीम सर्वे कर रही है, नुकसानी के आधार पर किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा। खेतों में जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर क्षितिश सिंघल के साथ लखनादौन SDM हिमांशु जैन, तहसीलदार ज्योति ठोंके सहित पटवारी, सहायक यंत्री, पंचायत सचिव एवं अन्य कर्मचारी और कृषक गण मौजूद रहे। साथ ही लखनादौन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रशांत यादव एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष एवं वर्तमान जनपद सदस्य सुबोध नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी फसलों का जायजा लेने के लिए ग्रामों का दौरा किया है। BS News नेटवर्क के लिए लखनादौन से काशीराम बिहुनिया की रिपोर्ट।